मैं विक्रम शाक्या अपने चैनल मैथ मजिशियन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी 12th क्लास के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, रिलेशन एंड फंक्शंस जो है वो चैप्टर पढ़ा हुआ है। अभी तक हम यही चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने इसमें जो फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, एक वो वीडियो हमने बनाया था वो है, और दो पार्ट में मैंने इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो ख़त्म की है। तो मतलब अभी तक हम फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैप्टर के तीन वीडियोस जो हैं वो बन चुके हैं, एक इंट्रोडक्शन का और दो वीडियोस जो हैं वो हमने एक्सरसाइज वन को कंप्लीट करने के लिए बनाए हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो उन तीनों वीडियोज की लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक करिए, इंट्रोडक्शन की अलग वीडियो है और पार्ट वन और पार्ट टू करके एक्सरसाइज की वीडियो है, ठीक है। आज हम जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, 1.2 एक्सरसाइज का। और 1.2 एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर। जैसा कि आप चैप्टर, मैंने अभी आपको कहा कि ये चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो रिलेशंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि रिलेशंस जो पहली एक्सरसाइज थी हमारी वो रिलेशंस के ऊपर थी, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव हम लोगों ने रिलेशंस पढ़े थे। अब बात आती है फंक्शंस की, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो फंक्शंस के ऊपर है। तो आइए देखें, सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन, इस वीडियो में पूरे में इंट्रोडक्शन ही रहेगा कि फंक्शंस क्या हैं और फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे हेडिंग आप देख रहे हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं जो हमें यहाँ पढ़ने हैं, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन यानी कि एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखें सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन। जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो सीधा टाइप्स ऑफ फंक्शन उन्होंने डाल दिया, फंक्शन के बारे में यहां पर कुछ नहीं बताया गया है। सीधी एक्सरसाइज खत्म होती है और एक्सरसाइज के बाद सीधा टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि फंक्शन जो है वो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था। 11th क्लास में भी सेम इसी नाम से चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन, तो आपको आपने वहां फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, इसीलिए यहां पर जो है वो फंक्शंस के बारे में नहीं बताया गया है। हालांकि आपने वहां पर टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी पढ़े थे, टाइप ऑफ फंक्शंस में आपने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, जैसे सिग्नम फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे फंक्शन। यहां पर ये हेडिंग इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि यहां पर जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो पहले वाले से अलग हैं या पहले वाले से नए हैं, लेकिन डेफिनेशन सेम है, इसीलिए डेफिनेशन को इन्होंने रिपीट नहीं किया है। ऑब्वियसली डेफिनेशन तो हमेशा सेम ही रहती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग फंक्शन के बारे में, भले यहां पर नहीं समझाया गया है लेकिन मैं इसको बेसिक से ही लेके चलूंगा, बिल्कुल जितना भी हम बेसिक में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, ठीक, उसके बाद हम टैकल करेंगे कि टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो क्या होते हैं। तो फंक्शन, जैसा कि आप देख रहे होंगे फंक्शन में कहा गया है, हेडिंग आप लोगों ने जो यहां मैंने या जो डेफिनेशन यहां लिखी है सेम वही आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये वन है, ई छूट गया है यहां पर, तो ये वन समझ सकते हैं आप कि हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अभी शायद थ्योरेटिकल में आपको कुछ समझ नहीं आया होगा कि क्या समझाया गया है, मैं इसको एलिबरेट करता हूं, और जिन लोगों ने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा उनको समझ आ गया होगा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज अ रिलेशन, सबसे पहले तो आपको यह समझना है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो होता है वो रिलेशन से ही बनता है लेकिन उसका एक स्पेशल टाइप होता है। जैसे मैंने यहां पर दो फंक्शंस लिखे हुए हैं, एक एफ और एक जी, जो कि मैंने इस फॉर्म पर लिखे हुए हैं, जैसे -1 1 0 0 1 1 2 4 3 9 पहला, दूसरा -1 3 -1 5 2 8 3 8 4 9, ठीक है। इनमें से एक जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है और एक जो है वो नहीं करता है। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना आना होना चाहिए या ये पता होना चाहिए कि फंक्शन किस कैटेगरी में बनता है या हम किस रिलेशन को फंक्शन की कैटेगरी में रख सकते हैं, उसके बाद हम टाइप्स पर चलेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने 11th क्लास में जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे थे या फंक्शन के बारे में बताया गया था वो सब ग्राफ पे था,
ग्राफ बनाए गए थे, सबके कांस्टेंट फंक्शन का बनाया गया था, पॉलिनोमियल का भी ग्राफ बनाया गया था, सबके ग्राफ बनाए गए थे। लेकिन 12th क्लास में जो एक्सप्लेनेशन होगी वो ग्राफ बेस्ड नहीं है, वो मैपिंग बेस्ड है। आपको मैपिंग समझ में आती होनी चाहिए कि मैपिंग क्या होती है। मैपिंग क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए कि मैपिंग क्या है। तो ये जो आपको फंक्शन दे रखे हैं और ये जो मैंने बनाई हुई हैं कुछ फॉर्म्स, इन्हें मैपिंग ही बोलते हैं। जैसे मैंने ये जो मैपिंग बनाई है पहली वाली, ये बनाई है फॉर द फंक्शन एफ। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये फंक्शन है, अभी हम रिलेशन ही बोलेंगे, क्योंकि जब तक ये फंक्शन की कैटेगरी को या उसकी जो नॉर्म्स है उनको फुलफिल नहीं करेगा तब तक हम इसे फंक्शन नहीं कह सकते हैं। ठीक। और ऐसे ये जो है और ये हमने रिलेशन जी के लिए बनाया है, तो अभी तो मैं इन्हें रिलेशन ही बोलूंगा। बाद में अगर ये दोनों में से कोई भी अगर किस फंक्शन की जो कंडीशन है उसको फॉलो कर गया तो ये फंक्शन बन जाएगा। चाहे दोनों अगर बन गए तो दोनों फंक्शन हो जाएंगे, एक बना तो एक। ऑब्वियसली मैंने कहा इनमें से एक है जो फंक्शन की कैटेगरी को या उसकी नॉर्म्स को फुलफिल करता है। आइए देखें कैसे इसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो सबसे पहले क्या किया, एक तरफ हमने इस तरीके के गोले में या इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसमें पहले पहले एलिमेंट रख दिए, यानी कि डोमेन डोमेन सारे रख लिए। और दूसरे में जो इसकी मैपिंग जितनी बन रही है वो, जैसे -1 किसके साथ मैप हुआ, 1 के साथ, तो मैंने -1 को किसके साथ मैप कर दिया, 1 के साथ। फिर ऐसे 0 किसके साथ मैच हुआ, 0 के साथ, तो 0 को 0 के साथ। ऐसे ही 1 1 के साथ, तो 1 को फिर से 1 के साथ। 2 4 के साथ, तो 2 को 4 के साथ। एंड 3 9 के साथ, 3 को 9 के साथ। तो अगर हम इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें बाय दीज टू एरोज, या हम कनेक्ट कर रहे हैं इमेज और एलिमेंट को, तो इसे हम मैपिंग बोलते हैं। ठीक। मैपिंग बहुत सिंपल है, बस इसी चीज को मैंने ऐसे कर रखा है। सेम ऐसे यहां जो दूसरा वाला है ये जी के लिए है, इसके पहले पहले एलिमेंटों को हमने एक बॉक्स में कर लिया और दूसरे दूसरे एलिमेंटों को एक बॉक्स में कर लिया। फिर जैसे जिसको मैप कराया गया उसको मैप करा दिया, जैसे -1 को 3 के साथ कराया गया तो -1 को हमने 3 के साथ कर दिया। ठीक। ऐसे ही -1 को 5 के साथ कराया गया है तो -1 को 5 के साथ भी कर दिया, तो -1 दो जगह मैप हो गया। ऐसे 2 को 8 के साथ तो 2 8 के साथ हो गया, फिर 3 को 8 के साथ तो 3 भी 8 के साथ हो गया, और 4 को 9 के साथ और 4 9 के साथ हो गया। ठीक है। तो मैपिंग आई होप बहुत आसान है, आप आराम से इसे समझ पाएंगे कि मैपिंग किस तरीके से बनाई जाती है। बहुत इजीली आप मैपिंग जो है वो बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि कौन सा इसमें से फंक्शन है और कौन सा नहीं। फिर से मैं डेफिनेशन को एक बार पढ़ता हूं, तब आपको लैंग्वेज भी समझ आएगी और कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन, यानी कि रिलेशन जो है वो फंक्शन कहा जाएगा। तो ये रिलेशन ही लिखे हैं, ये फंक्शन बोले जाएंगे कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो जो जैसे मैपिंग जैसे कहा गया यहां सेट ए टू सेट बी, इसका मतलब जिससे जिसमें बनाई जाती है। जैसे अगर हम इससे इसमें बना रहे हैं तो ये ए बोला जाएगा पहला वाला एलिमेंट, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो क्या बोला जाएगा, बी। ठीक। तो पहला ए दूसरा बी, अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले, ऐसे इसमें ये ए बोला जाएगा और ये बी बोला जाएगा, तो हम कहेंगे मैपिंग जो है वो ए से बी में है, क्योंकि इधर से सारे एरो इधर मैप हुए हैं। ऐसे ये भी ए से बी में है। ठीक। तो उन्होंने कहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट का जो एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, और उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। इमेज क्या होता है, जो लोग इमेज नहीं जानते, तो जैसे अगर आप यहां देखें, ये हमने पहला फंक्शन बनाया तो -1 किसके साथ मैप हुआ, 1 के साथ, तो -1 की इमेज जो है वो 1 बोली जाएगी। तो जो एलिमेंट इधर का ए का बी के साथ जिसके साथ मैच होता है वो उसका इमेज बोला जाता है। जैसे 2 किसके साथ मैच हुआ, 4 के साथ, तो 2 की इमेज क्या बोली जाएगी, 4। ऐसे 3 की इमेज क्या बोली जाएगी, 9। आई होप ये सब आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिपीट करना या रिकॉल करना मेरा काम है। तो अगर आप यहां देखें कि उन्होंने कहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, उसकी सेट बी में केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब है सेट ए के किसी भी एलिमेंट की अगर सेट बी में दो इमेज बनती हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। समझ आ गया।
सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। आओ देखें, सबसे पहला देखते हैं। देखो माइनस वन की वन एक इमेज बनी, जीरो की जीरो ये भी एक ही है, वन की वन ये भी एक ही है, थ्री की फोर ये भी एक ही है, और थ्री की नाइन ये भी एक ही है। ये इसमें अगर आप देखो हर एक एलिमेंट की केवल एक ही एक इमेज है, माइनस वन की भी एक ही है, वन की भी एक ही है, ऐसे जीरो की भी, टू की भी और थ्री की भी। शायद आपको माइनस वन और वन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि माइनस वन की भी वन है तो वन की भी वन है तो शायद ये दो है, ऐसा नहीं है, अभी आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। यहां पर एक और, इसीलिए मैंने एक बगल में एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शायद वो आपको इस डाउट को क्लियर करे। यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर माइनस वन किसके साथ मैच हुआ है, फाइव के साथ, इसका मतलब माइनस वन की इमेज फाइव भी है, और माइनस वन ही किसके साथ मैच हुआ है, थ्री के साथ, तो माइनस वन की इमेज थ्री भी है। अब इस केस को देखो और इस वाले केस को देखो जो माइनस वन और वन का है, ठीक, आपको कोई अंतर लग रहा है? इधर क्या हो रहा है पहले वाले में कि जो इमेज है वो इधर दो एलिमेंटों के साथ जुड़ी हुई है, माइनस वन के साथ और वन के साथ। इधर क्या है, जो एलिमेंट है वो दो इमेज के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर कहा गया था कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो वन एंड ओनली वन इमेज रखे, तो ये वो केस है। ये देखो, ये सेट ए का एलिमेंट है जबकि इसकी इमेज दो है, पांच भी है और तीन भी है। जबकि यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि इसकी इमेज दो है, देखो माइनस वन की इमेज वन ही है और वन की भी इमेज वन ही है, तो एलिमेंट दोनों अलग अलग हैं लेकिन उनकी इमेज भले सेम है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो एक ही ना, इमेज तो एक ही है, माइनस वन की भी एक ही है और वन की भी एक ही है। ये अलग बात है कि माइनस वन की जो इमेज है वही वन की भी है, लेकिन इमेज एक ही है। लेकिन यहां पर अलग है, यहां पर माइनस वन की इमेज फाइव भी है और माइनस वन की इमेज थ्री भी है। तो ये वो केस है जो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सेट ए जो है उसके हर एक एलिमेंट की केवल एक इमेज होनी चाहिए, यहां पर माइनस वन की फाइव भी है और थ्री भी है, तो माइनस वन की दो इमेज हो गई। तो ये वाला जो है वो फंक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फंक्शन हम कैटेगरी में, फंक्शन की कैटेगरी में इसको नहीं रखेंगे, जबकि ये वाला है वो फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। देखो सबकी एक एक इमेज है, सबकी, किसी की भी दो इमेज नहीं है। यहां पर इसकी वजह से ही सिर्फ गलत हो गया, बाकी सबकी एक ही एक थी। टू की भी देखो एट थी, थ्री की भी एट थी, तो इमेज एक ही थी, केस सेम पहले वाले ही, और ऐसे ही फोर की भी एक ही थी, नाइन, सिर्फ इस माइनस वन की दो इमेज हो गई। समझ आ गया? तो कल को अगर आपको पूछा जाएगा, अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें, जैसे ये फॉर्म्स लिखी गई हैं, यहां पर जब भी आपको अगर इस तरीके का, मतलब इस तरीके की फॉर्म दे रखी हो और आपसे पहचानना हो कि बताइए कि इनमें से कौन सा फंक्शन है या नहीं, अगर आपको 11th क्लास के न्यूमेरिकल से याद हो तो 11th क्लास में इसी तरीके के न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए थे कि इस तरीके से उसने रिलेशन कुछ दे दिए और कहा कि बताइए कि इनमें से कौन फंक्शन है और कौन नहीं। तो आप हमेशा याद रखो, अगर इस तरीके की फॉर्म लिखी है और इसमें कहीं पर पहला एलिमेंट रिपीट हो जाता है, जैसे माइनस वन थ्री के साथ भी है और माइनस वन फाइव के साथ भी है, तो माइनस वन ये जो पहला एलिमेंट है ये रिपीट हो गया, रिपीट हो गया का मतलब ये कंफर्म है कि फिर माइनस वन की दो इमेज हो जाएंगी, एक थ्री भी और एक फाइव भी। वहीं आप पहचान लीजिए कि ये वाला फंक्शन कभी नहीं होगा, पहला एलिमेंट रिपीट अगर हो गया। अगर पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है तो फिर वो हमेशा फंक्शन होगा। जैसे यहां पर देखो माइनस वन यहां पर है, फिर जीरो है, फिर वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, कहीं पर भी पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। हाँ, दूसरा एलिमेंट, जैसे तुम्हारे दिमाग में आ सकता है दूसरा एलिमेंट तो रिपीट हुआ, दूसरे एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर इमेज अलग ही मानी जाएगी। जैसे माइनस वन की वन है तो एक है माइनस वन की, और ऐसे ही वन की भी वन है तो वन की भी एक ही है, ठीक, इमेज एक ही है, माइनस वन की भी वन है तो वो भी माइनस वन की भी इमेज वन ही है और वन की भी इमेज वन ही है, तो इमेज काउंटिंग में एक ही है दोनों की। तो इसीलिए याद रखिए, जब भी इस तरीके की मैपिंग दी जाए तो अगर आपका पहला एलिमेंट रिपीट हो जाता है, तो पहला एलिमेंट अगर रिपीट हो गया तो समझ लीजिए कि वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा, और अगर पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, दूसरा चाहे भले रिपीट भी हो जाए तो वो हमेशा फंक्शन होगा। तो ये आपका फंक्शन है और ये नहीं। तो सेम यही डेफिनेशन जो यहां पर लिखी थी उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेट ए के एलिमेंट की इधर केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, अगर वो रिपीट होगा तो उसकी दो इमेज ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, क्योंकि इसकी देख लो माइनस वन की थ्री भी हो गई और माइनस वन की फाइव भी हो गई, तो इसका मतलब है कि माइनस वन की दो इमेज हो गई, एक थ्री और एक फाइव। ठीक, आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी फंक्शन की कि क्या है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन पे, टाइप ऑफ फंक्शंस।
टाइप ऑफ फंक्शंस में बहुत सारे टाइप, जैसे मैंने कि कहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले कि 11th क्लास में हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे कि ये हैं, जैसे मैंने अभी रिपीट किया, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन हमने पढ़े थे, लेकिन उन फंक्शन का यहाँ कोई काम नहीं। यहाँ पर जो 12th क्लास में जो फंक्शंस हैं वो केवल दो ही फंक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिसके ऊपर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 चलेगी, और वो दो फंक्शंस हैं। पहला है उनमें से 1-1, 1-1 का ही दूसरा नाम है इंजेक्टिव। तो फंक्शन एक ही हुआ, बस नाम दो हो गए, चाहे तो 1-1 बोल दे और चाहे तो इंजेक्टिव बोल दे, दोनों का एक ही मतलब है। तो 1-1 फंक्शन जो है और या इंजेक्टिव फंक्शन, ये पहला हो गया। दूसरा है वो हम डिस्कस करेंगे, पहले मैं बोल दूं वैसे, दूसरा है ऑन टू या सर्जेक्टिव, उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। तो दो ही टाइप के फंक्शन यहां पर पढ़ने होंगे, तो हमारे लिए एज कंपेयर टू वहां किट यहां पर थोड़े कम फंक्शंस हैं, तो हमारे लिए फायदा रहेगा। तो यही दो फंक्शन पढ़ लीजिए और इन्हीं पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिलने हैं। तो आइए सबसे पहले पहले को क्लियर करते हैं, 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन। डेफिनेशन आपकी बुक में ही दी गई है, बिल्कुल क्लियर, मैं बुक की ही डेफिनेशन पढ़ता हूं, एक्सप्लेन मैं उसे कर दूंगा। जैसे यहां पर कहा गया, अ फंक्शन f such that x tends to y, यानी कि कोई दो सेट होंगे x से y में, कोई मैपिंग बनाई गई होगी, इज डिफाइंड टू बी 1-1 और इंजेक्टिव, वो 1-1 या इंजेक्टिव बोला जाएगा इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट। यहां पर इस लाइन को अच्छे से समझना, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, x के अलग अलग एलिमेंटों की जो इमेज है वो भी अलग अलग होनी चाहिए। अगर मतलब अगर x का एलिमेंट अलग है तो उसकी इमेज भी अलग होनी चाहिए, या हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि हर एक डिफरेंट एलिमेंट x का जो है उसकी इमेज भी डिफरेंट ही होनी चाहिए। ठीक, इसको और थोड़ा अच्छे से समझाया गया, इट मींस फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, x1 x2 जो है वो अगर x को बिलोंग करते हैं, और प्रूव हो जाता है ये कि fx1 इज इक्वल टू fx2। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि जब भी हम f लगा देते हैं तो वो उसकी इमेज बोली जाती है, तो x1 एलिमेंट बोला जाएगा और fx1 उसकी इमेज बोली जाएगी, ऐसे x2 एलिमेंट बोला जाएगा और fx2 उसकी इमेज बोली जाएगी। यहां पर क्या हुआ कि x1 और x2 दो एलिमेंट थे x के, और ये कंडीशन भी थी कि fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी कि इमेज ऑफ एलिमेंट x1 इज इक्वल टू इमेज ऑफ एलिमेंट x2, मतलब इन दोनों एलिमेंटों की इमेज इक्वल है। और अगर इसे 1-1 होना है तो फिर ये कंफर्म है कि ये एलिमेंट भी कैसे होंगे इक्वल। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब इसी प्रोसेस से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक, यहां से फिर से मैं लाइन को अच्छे से पढ़ता हूं, अ फंक्शन इज डिफाइंड टू बी 1-1 इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ f ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, यानी कि अगर एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक, ये तो ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसी का अगर हम वाइस वर्सा निकालें कि अगर एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अब इसका वाइस वर्सा, इसका अपोजिट क्या होगा कि अगर एलिमेंट सेम है तो इमेज भी क्या होनी चाहिए, सेम। ये हमने अंडरस्टूड कर लिया, डेफिनेशन में ऐसा नहीं लिखा है लेकिन ये हम अंडरस्टूड कर सकते हैं, क्योंकि अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो इमेज डिफरेंट है, इसका मतलब अगर एलिमेंट सेम है तो इमेज भी क्या होगी, सेम। अब यहां पर अच्छे से समझो, उसने वही कहा कि x1 x2, शुरुआत में नहीं पता कि x1 x2 सेम है या डिफरेंट है, x1 x2 बस उसने कहा कि x को लाई करते हैं, लेकिन ये प्रूव हो गया कि उनकी इमेज सेम आ गई। तो अगर इमेज सेम आ गई तो इसके वाइस वर्सा के हिसाब से कि वो एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम, तभी वो 1-1 बोला जाएगा। और अगर ऐसा हो गया कि इमेज तो सेम आ गई लेकिन एलिमेंट सेम नहीं आए, इसका मतलब क्या होगा कि दो डिफरेंट एलिमेंटों की इमेज सेम आई है, जबकि डेफिनेशन कहती है कि अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं तो इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट। जबकि ये उल्टा हो जाता कि अगर सपोज ये हो जाता है कि ये तो इक्वल है लेकिन ये x1 x2 इक्वल ना आते, ठीक, x1 x2 अगर इक्वल ना आते तो उस केस में क्या होता, एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट हो जाते बट इमेज सेम हो जाती, जो कि 1-1 की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो इमेज भी डिस्टिंक्ट ही होनी चाहिए। बात समझ आई, बहुत ही ध्यान से समझना, जो मैंने बोला है उसको दोबारा से रिपीट करके अच्छे से समझो कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि आप वीडियो पे हैं तो आप बैक करके दोबारा से समझ सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एलिमेंट डिफरेंट हैं तो इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए, एलिमेंट सेम है तो इमेज भी सेम होनी चाहिए, तभी वो 1-1 होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अदरवाइज एफ इज कॉल्ड मैनी वन, तो वो मैनी वन बोला जाएगा, यानी कि
वो फंक्शन जो 1 1 नहीं होता है वो मैनी वन होता है, सिंपल आप समझ सकते हैं। तो आपको 1 1 चेक करना है, अगर वो यस हो गया तो 1 1 है, अगर नहीं हुआ तो वो मैनी वन है। तो मैनी वन को स्पेशली पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ आपको 1 1 पढ़ना है। आइए देखें इसको और थोड़ा क्लियर कर सकें हम अगर मैपिंग से। जैसे यहां पर अच्छे से समझिए मैपिंग इसकी कैसे बनेगी, क्योंकि मैंने कहा कि यहां पर हर एक चीज जो है वो मैपिंग के थ्रू ही एक्सप्लेन की जाएगी। मैंने ऐसे ही कोई रेंडम फंक्शन मान लिया जो सपोज ए टू बी बन रहा है, यानी कि ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट में, तो ए पहला रहेगा बी दूसरा रहेगा। ए सपोज ये है और बी ये है, मैंने ऐसे ही रैंडम कुछ भी मान लिया, ए ये है बी ये है। अब हम सिर्फ ये देखें कि इसके जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, यानी कि जितने भी अलग अलग एलिमेंट हैं, ऑब्वियसली सारे अलग ही हैं, तो इनकी इमेज भी इधर अलग अलग ही बननी चाहिए। जैसे 1 की इमेज कितनी बनी 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 2, 4 की इमेज 3, 5 की इमेज 6। क्या आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है किसी एलिमेंट की 2 इमेज बन गई है? कहीं पर ऐसा नहीं है, हर एक एलिमेंट की अपनी एक सिंगल इमेज है। 1 की 4 है, तो अगर आप इसे इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1 की इमेज कितनी है 4 है, 2 की कितनी है 5 है, 3 की कितनी है 2 है, ऐसे ही 4 की कितनी है 3 है, और ऐसे ही 5 की कितनी है वो है 6। इसमें आप देख लो हर एक एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है और उसकी इमेज भी हर बार डिफरेंट बन रही है। ठीक, 1 की 4 बनी, 2 की 5 बनी, 3 की 2 बनी, 4 की 3 बनी, 5 की 6। किसी भी एलिमेंट की इमेज जो है वो रिपीट नहीं हुई है। ठीक, तो ये 1 1 बोला जाएगा कि ये 1 1 है। अब मैं एक यहीं पे बगल में एक ऐसा एग्जांपल आपको समझा दूं जो 1 1 ना हो, यानी कि मैनी 1 हो, ताकि आपको वो डाउट क्लियर हो जाए। फिर से मैं ऐसे ही 2 एलिमेंटों की मैपिंग बनाना चाह रहा हूं, वही ए और बी। सपोज मैंने फिर से यहां वही ले लिया 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहां पर भी हमने कोई एलिमेंट सपोज ले लिए कुछ भी, 2 3 4 कुछ भी इस तरीके का कोई एलिमेंट ले लिया। कोई रैंडम एग्जांपल ही ले रहे हैं, कोई हम रैंडम कोई स्पेशल सॉरी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो अब यहां पर अगर मैं कहूं कि मैनी 1 कौन सा होगा, जैसे सपोज मैंने 1 को 2 के साथ जोड़ दिया और 3 को भी क्या किया 2 के साथ जोड़ दिया, बाकी 2 और 3 हमने वैसे ही छोड़ दिया, इसको यहां जोड़ दिया, इसको यहां जोड़ दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। ये सिर्फ यहां पर देखो, मैंने 1 को 2 के साथ जोड़ दिया और 3 को भी 2 के साथ जोड़ दिया। इसका मतलब है कि 1 की इमेज 2 भी है और 3 की इमेज जो है वो भी 2 है। तो 1 की इमेज भी 2 है और 3 की इमेज भी 2 है, जबकि 2 की इमेज जो है वो 3 है और 4 की जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली 4 है। अब यहां पर गौर से देखना, इस केस में और इस केस में अंतर समझने की कोशिश करना। 1 1 में कहा गया था कि अगर एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, जबकि यहां देखो एलिमेंट ये 1 है ये 3 है, तो ऑब्वियसली एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट है ही, लेकिन इमेज इनकी डिस्टिंक्ट नहीं है। देखो क्या है, 1 की भी कितनी है 2 और 3 की भी कितनी है 2। इसका मतलब है कि ये 1 1 की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, जबकि यहां पर देखो 1 की 4, 2 की 5, 3 की 2, 4 की 3, 5 की 6। कहीं पर आपको कोई भी 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंटों की इमेज सेम नहीं मिलेगी, क्योंकि हर एक 1 2 1, या अगर आप इसे देखो 1 1, ये नाम ही यहीं से पड़ा है 1 1, मतलब इधर के हर एक एलिमेंट की इधर 1 इमेज होनी चाहिए, यानी कि 1 2 1 होना चाहिए, कोई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर रिपीटिशन हो गई, क्योंकि 1 की भी 2 हो गई और 3 की भी 2 हो गई, तो इधर तो 1 रहा लेकिन इधर 1 नहीं हो पाया, क्योंकि इधर कॉमन हो गया। तो इसीलिए ये जो फंक्शन बोला जाएगा, ये बोला जाएगा मैनी 1, यानी कि मैनी की 1 बनी है। मैनी मतलब यहां देखो 2 एलिमेंट है ना, 2, तो 2 की इमेज कितनी बनी है 1, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है मैनी 1, यानी कि मैनी, यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंटों की जब एक ही इमेज बने, मैनी 1, यानी कि मैनी एलिमेंटों की इमेज जो है वो 1 ही हो। लेकिन यहां पर क्या है 1 1 1 1 का मतलब एलिमेंट भी 1, उसकी इमेज भी 1, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर इमेज 1, फिर तीसरा एलिमेंट, फिर इमेज 1, कभी भी मैनी यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंटों की एक इमेज नहीं बनेगी। क्लियर हो गया? तो ये 1 1 और मैनी 1, टॉप टाइप एक ही है 1 1 ही, आपको 2 टाइप नहीं पढ़ने हैं, टाइप वही 1 1 ही रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि नेक्स्ट टाइप का फंक्शन है हमारा, जिसको मैंने कहा वो है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन आपको समझना होगा, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मैं सबसे पहले इधर दिखा देता हूं क्योंकि यहां पर हेडिंग नहीं पड़ी हुई है।
ये है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं, जैसे वन वन को इंजेक्टिव बोलते थे वैसे ही ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले बुक से देखते हैं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। ये है डेफिनेशन सिक्स जो है वो ऑन टू की है, और डेफिनेशन फाइव जो है वो वन वन की थी। तो डेफिनेशन सिक्स अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि अ फंक्शन एफ सच दैट वाई एक्सटेंड्स टू वाई इज सेट टू वन वन, और सब्जेक्टिव बात वही है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स। अच्छे से यहां समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि अगर मैपिंग एक्स टू वाई है तो वाई के हर एक एलिमेंट की इमेज जो है होनी चाहिए, और अगर इमेज होगी तो वो किसी ना किसी एलिमेंट की होगी। तो हर वाई के हर एक एलिमेंट की यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई ऐसा, अगर वाई में इमेज है तो उसका एलिमेंट भी कहीं ना कहीं एक्स में होना चाहिए। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूं तब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप लैंग्वेज में शायद उतना अच्छे से ना समझ पाए। ये जैसे एक मैंने छोटी सी मैपिंग बनाई हुई है, एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई, तो इसमें एक एक्स हो जाएगा और एक वाई हो जाएगा, तो पहला वाला ऑब्वियसली एक्स होता है और दूसरा वाला हमेशा वाई होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, अगर हम यहां देखें वाई का हर एक एलिमेंट इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, वो इमेज होना चाहिए एक्स के किसी एलिमेंट की। अब आप देखो वाई में तीन एलिमेंट है, क्या वाई के सारे एलिमेंटों की एक्स के रिस्पेक्ट में कोई इमेज है? तो देखो ए, ए किसकी इमेज है? टू की और थ्री की। यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई एलिमेंट कितने एलिमेंटों की इमेज है, डेफिनेशन सिर्फ ये कह रही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के हर एक एलिमेंट जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट में उसका एक इमेज बनना चाहिए। ठीक, यानी कि वाई के हर एक एलिमेंट की इमेज बने, इमेज तभी बनेगी जब वो एक्स के किसी एलिमेंट से मैप होगी। क्लियर है? तो ए जो है वो तभी इमेज कहलाएगा क्योंकि ये देखो टू से भी मैप है और थ्री से भी मैप है, इसका मतलब ये टू के भी इमेज है और फोर के भी इमेज है। इमेज तो है ना, दो की हो, तीन की हो, चार की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज बनना चाहिए। ऐसे बी, बी किसी का इमेज है? बी है, बिल्कुल है, थ्री का इमेज है। ऐसे सी किसी की इमेज है? बिल्कुल है, किसकी है? वन की। इसका मतलब है वाई के हर एक एलिमेंट जो है, वाई का जो हर एक एलिमेंट है वो इमेज बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा होता जो इमेज ना बनता तो फिर हम वो ऑन्टो नहीं बोलते, ये ऑन्टो है। तो हम अगर इसे कहेंगे तो ये ऑन्टो फंक्शन बोला जाएगा। मैं कैसे छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं जो ऑन्टो ना हो, वैसे तो अब आप समझ गए होंगे, इसी को मैं सेम ऐसे ही रख रहा हूं, बस थोड़ा सा चेंज करूंगा। वही वन टू थ्री फोर, और इधर मैंने एक ले लिया सेट ए बी सी डी और ई, इस तरीके से। ठीक है, मैंने वन को मैप कर दिया बी के साथ, थ्री को मैप कर दिया ए के साथ, टू को मैप कर दिया सी के साथ। ठीक है, और मैंने सपोज किसी और को भी अगर करना चाहो तो कर दो, तो फोर को भी मैंने मैप कर दिया जो है वो ई के साथ, ई के साथ। अब इसको गौर से देखना जो चीजें समझने वाली हैं, वैसे तो आप समझ गए होंगे। अब ऑब्वियसली एक्स ये बोला जाएगा, वाई ये बोला जाएगा। अब वाई डेफिनेशन ये है ऑन्टो की, वाई का जो हर एक एलिमेंट है वो इमेज होना चाहिए एक्स के किसी एलिमेंट की। वाई में अगर हम देखें तो ए बी सी डी ई पांच एलिमेंट है, ए किसी की इमेज है? बिल्कुल है, किसकी है? थ्री की। बी किसी की इमेज है? वन की। सी किसी की इमेज है? टू की। डी किसी की इमेज है? डी किसी की इमेज नहीं है, क्योंकि डी किसी के साथ मैप नहीं है, जबकि ई इमेज है। यानी कि एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया वाई का जो एक्स के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है। और याद रखिए ये वो केस है जो ऑन्टो की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता, और अगर ये ऑन्टो की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता तो ये ऑन्टो नहीं है। तो इसलिए याद रखिए यहां पर दोनों को कंपेयर करिए कि यहां पर वाई के जितने भी एलिमेंट हैं वो इमेज होने चाहिए, भले वो दो एलिमेंटों की हो, तीन की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इमेज होना चाहिए, कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। अब यहां पर देखो ये खाली छूट गया, और अगर ये खाली छूट गया इसका मतलब है कि ये अब इसकी कोई इमेज नहीं है एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर इमेज नहीं है तो ऑब्वियसली ये ऑन्टो की डेफिनेशन फॉलो नहीं करता है, तो ये ऑन्टो फंक्शन नहीं बोला जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट इसे समझा देता हूं, इसी से छोटा सा एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है।
अब जैसे मैपिंग है ये इस तरीके से f such that x tends to y, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि ये जो x होता है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा डोमेन। y जो होता है अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये होता है कोडोमेन, कोडोमेन ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर इस तरीके की मैपिंग है तो x डोमेन बोला जाएगा और y जो है वो कोडोमेन बोला जाता है। एक और चीज होती है रेंज, बहुत कॉमन है, बहुत आपने सुना होगा, कोडोमेन से ज्यादा तो रेंज के बारे में बात आती है। रेंज क्या होता है? कुछ लोग समझते हैं कोडोमेन और रेंज जो है वो दोनों एक ही चीज है। सबसे पहले तो इसमें अंतर कर लीजिए, कोडोमेन और रेंज अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल पे देखें तो इस एग्जाम्पल में जो हमारा कोडोमेन है ये पूरा है, ये पूरा मतलब ए बी सी डी ई ये सारे के सारे कोडोमेन है। कोडोमेन अगर पूछा जाए कि कोडोमेन में कितने एलिमेंट है तो ए बी सी डी ई ये सारे कोडोमेन है। अब अगर रेंज पूछी जाए कि रेंज में क्या क्या एलिमेंट है तो रेंज में केवल वो एलिमेंट आते हैं जिनकी मैपिंग बनती है, होते वो वाई के ही एलिमेंट हैं लेकिन वो जिनकी मैपिंग बनी हुई है या जो इमेज बने हुए हैं, जैसे ए ए को इमेज ए इमेज बनी हुई है, बी की भी बनी हुई है, सी की भी बनी हुई है, डी की नहीं बनी है तो डी रेंज में नहीं आएगा और कौन आएगा? ई। आई होप आपको दोनों में कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कोडोमेन अगर पूछा जाए, मैं यहां पर लिख भी देता हूं अगर चलो कोई डाउट हो तो मैं यहां लिख देता हूं, कोडोमेन अगर तुमसे पूछा जाए कि कोडोमेन में कितने एलिमेंट आएंगे तो कोडोमेन में सारे आ जाएंगे ए बी सी डी एंड ई। ठीक, तो कोडोमेन हो गया। रेंज में कोडोमेन के वो एलिमेंट जिनकी इमेज बनी हुई है, तो इमेज किसकी बनी हुई है? ए बी सी और ई की, तो ये रेंज हो गए। अब एक बचता है डोमेन, डोमेन तो खैर सभी जानते होंगे, डोमेन में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होती है। डोमेन होते हैं एलिमेंट ऑफ एक्स, ये सारे एलिमेंट जो हैं वो डोमेन बोले जाते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 ये आपका यहां पर डोमेन होगा। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, रेंज कोडोमेन और डोमेन बहुत सिंपली क्लियर हो जाते हैं, कहीं पे कोई इशू नहीं आता है। अब यहां पर एक और डेफिनेशन दी जाती है ऑन्टो की, और ऑन्टो में यह कहा जाता है कि अगर किसी केस में किसी मैपिंग का जो कोडोमेन है वो अगर रेंज के इक्वल हो जाता है, कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल हो जाता है तो वो फंक्शन ऑन्टो फंक्शन बोला जाता है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर किसी फंक्शन का कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाता है तो वो ऑन्टो फंक्शन बोला जाता है। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो कोडोमेन और रेंज अलग अलग है क्योंकि कोडोमेन में सारे एलिमेंट आते हैं जबकि रेंज में केवल वो आते हैं जो मैप्ड होते हैं, एक छूट गया, इसी वजह से रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हो पाए। और अगर सपोज ये भी किसी एलिमेंट के साथ मैप हो जाता, सपोज ये 3 के साथ मैप हो जाता, मैं इसे 3 के साथ अगर मैप कर दूं डी, अब आप देख लो अब सारे एलिमेंट मैप हैं, अब अगर सारे एलिमेंट मैप हैं तो रेंज में अब डी भी आ जाएगा, और अगर डी भी आ गया तो आप अब देख लो रेंज और कोडोमेन क्या हो गए, दोनों सेम, क्योंकि ए बी सी डी ई, यहां भी ए बी सी डी ई, रेंज और कोडोमेन अगर सेम हो गए तो उस केस में ये तुरंत क्या बन जाएगा? एक ऑन्टो फंक्शन, क्योंकि आप देख लो डेफिनेशन के हिसाब से भी वाई के सारे एलिमेंट जो हैं वो मैप्ड हैं या वाई के सारे एलिमेंटों की इमेज हमें मिल रही है। क्लियर है ना? तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर डोमेन और रेंज इक्वल हो जाता, सॉरी डोमेन कह रहा हूं, रेंज और अगर कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, कोडोमेन अगर ऐसा केस बन जाता है तो ये फिर ऑन्टो होता है, और अगर रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, अगर रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होती है तो फिर ये ऑन्टो नहीं होता है। एक कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने ये थोड़ा सा समझा दिया कि अगर रेंज और कोडोमेन दोनों सेम होंगे तो वो ऑन्टो होगा, अदरवाइज वो ऑन्टो नहीं होगा। ठीक, तो ये दो टाइप थे जो हमें समझने थे, ऑन्टो और वन वन। ये सिर्फ समझने के एग्जाम्पल्स हैं, जब हम एक क्वेश्चन में करेंगे कि हमें सपोज कोई फंक्शन दे दिया गया और आपसे कहा गया कि प्रूव दैट दिस वन इज वन वन एंड ऑन्टो, तो करने का तरीका कुछ अलग होगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, करने का तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे किसी फंक्शन को वन वन या ऑन्टो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम वीडियो यहीं रखते हैं क्योंकि हमारे इंट्रोडक्शन में या दूसरी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के लिए जितनी चीजें थी वो हमने सारी पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीधा एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 1.2।
तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्यूशन करेंगे या क्वेश्चनों पर इन कॉन्सेप्टों को लगा के देखेंगे कि 1-1 कैसे प्रूव करते हैं और ऑन 2 कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रखते हैं। टेक केयर योरसेल्फ।